क्रीमिया पुतिन के लिए क्या मायने रखता है ये हम सब जानते हैं। क्रीमिया को लेकर रूस की यूक्रेन को सीधी चेतावनी भी सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख दें, पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का सनसनीखेज बयान सामने आया है। क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश की तो परमाणु वेपन से जवाब देंगे, ये बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं हम इस वक्त कि क्रीमिया को लेकर ये बड़ी चेतावनी है जो पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ओर से जारी की गई है। तो अगर क्रीमिया पर हमला किया गया तो किस तरीके से देगा रशिया जवाब, इसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल से समझिए, क्रीमिया पर अगर हमला हुआ और ये क्या किसकी ओर से कहा गया, दिमित्री मेदवेदेव रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है, तो मतलब परमाणु युद्ध। वजह क्या, रूस की सीधी चेतावनी और क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश की तो परमाणु हमले से जवाब देंगे। और ये समझिए, कब्जे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पहले हमले शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये मानकर चल रहे हैं कि कब्जे की कोशिश की जाएगी। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमला तो शुरू हो ही गया, सेवास्तोपोल में हमले लगातार किए जा रहे हैं, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ये मान के चला जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार उस इलाके में निगरानी की जा रही है, बार बार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि अब कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ होता है तो रशिया की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको लगातार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से सेवास्तोपोल में यूक्रेन के लगातार 2 ड्रोन अटैक हुए, जिसके बाद यहां पर हालात खराब हो गए, और उसके बाद ही माना जा रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। क्रीमिया के पास ब्रिटेन के फाइटर प्लेन देखे गए, ब्लैक सी में ब्रिटेन का सर्विलांस ड्रोन देखा गया, ब्लैक सी में अमेरिकी टोही विमान तैनात है, ऐसे में क्या हालात और ज्यादा बदतर होने जा रहे हैं? इसी तरीके से ये चक्रव्यूह क्या हालात को और ज्यादा बदतर कर देगा, इसी को समझने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी को लेकर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चक्रव्यूह तबाही का अलार्म इसे क्यों कह रहे हैं उसको समझाते हैं आपको। क्रीमिया पर कब्जे की प्रचंड तैयारी कैसे, यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग इसको लेकर क्या जानकारी है हमारे पास, इसको समझिए। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में अभ्यास, लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर यूक्रेन की नाटो से लगातार मांग, फाइटर जेट अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लगातार मांग, और स्विचब्लेड ड्रोन अमेरिका से सप्लाई। तो देखिए ये तैयारियां लगातार इसको लेकर होती रही हैं, ऐसे में आशंका इस बात को लेकर बढ़ रही है कि क्या क्रीमिया पर कब्जे को लेकर प्लानिंग तेज हो रही है। अमिताभ सर, अगर क्रीमिया को लेकर कोई भी एक्शन यहां से होता है, पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि क्रीमिया को टच मत कीजिएगा, बहुत टची मामला है, और ऐसी जब कर्च ब्रिज पर हमला किया गया था तो किस तरीके से रिएक्ट किया गया था रशिया की तरफ से, वो भी सभी ने देखा। और ये मामला कितना सेंसिटिव है ये पूरी दुनिया जानती है। क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे ज़ेलेंस्की या फिर नाटो कंट्रीज कि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है क्रीमिया को लेकर आने वाले दिनों में? देखिए, नवंबर के बाद पूरा जो बैटल फ्रंट है वो सीज कर गया है, और उसमें एडवांटेज भी यूक्रेन ने लिया है। तो अभी तो एक तरह से माने तो स्प्रिंग ऑफेंसिव जिसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शुरू नहीं हुआ है। क्रीमिया एक बहुत सॉफ्ट अंडरबेली है रूस का, और वो उसकी प्रतीक चिन्ह भी है। इतिहास भी अगर उठा के देखें, आप सेवस्तोपोल का मेंशन कर रही हैं, सेवस्तोपोल में नेवल हेडक्वार्टर्स है मॉस्को का, ब्लैक सी फ्लीट का। इसके पहले जब सोवियत संघ विघटन हुआ था तो सेवस्तोपोल में यूक्रेन और रूसी जॉइंट कंट्रोल करते थे ब्लैक सी फ्लीट को, दोनों की अपनी अपनी रेंज थी, दोनों के अपने अपने डायमेंशंस थे कि वो कहाँ कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो कि ये फ्रीज हुआ है बैटल फ्रंट, उसमें अगर रशिया आगे बढ़ता है स्प्रिंग ऑफेंसिव में, यूक्रेन को पीछे हटना पड़ता है, तब ये एक नया बैटल फ्रंट खोल देंगे। तब क्या होगा, पूरा ये बैटल फ्रंट एक्सटेंड कर जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा। उस समय जब नेटो का जब इंटेलिजेंस और जितने टोई विमान घूम रहे हैं उसको उस समय एडवांटेज होगा। और क्रीमिया, मैं बताऊं, अगर क्रीमिया को इन्होंने छुआ, जिस तरह कर्च ब्रिज पे हमने देखा है किस तरह से उसके बाद शुरुआत हो गए सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, उनके शहरों पर अटैक करने लगा रूस, अगर क्रीमिया को टच किया गया, तो मैं बताऊं दिमित्री मेदवेदेव जो कह रहे हैं, और दिमित्री मेदवेदेव आज से नहीं कई दिनों से ये कहते आ रहे हैं, और वो पुतिन के एक तरह से कहें राइट हैंड मैन है, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, जब प्राइम मिनिस्टर पुतिन थे वो तो प्रेसिडेंट रहे, तो उनकी बात को मानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन
न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी तो अभी सब डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होगा इसमें और चीन साफ कह चुका है हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर बात बिगड़ी तो एक नया फ्रंट खुलेगा, इसमें नेटो पूरी तरह से आगे आएगा इंटेलिजेंस के मामले में। लेकिन मैं साथ में ये भी बता दूं कि अभी तक जो शी जिनपिंग, जनरल सिवाच उसका मेंशन कर रहे थे, जनरल शी जिनपिंग अभी वापस गए हैं, उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है जो काफी दिन से ड्यू है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ, वो किसी भी समय होगा। उस समय जो पीस प्रपोजल्स वहां लेके गए थे, वहां से जो अमेंडमेंट्स करेक्शंस या जो भी हुए होंगे, उसको वापस लाया जाएगा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के पास। चीन का सम्मान रूस इसलिए भी करता है क्योंकि चीन रूस का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी। लेकिन चीन ये जानता है कि एक बिजनेस इंसेंटिव उसको मिलने वाला है यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन में, इसलिए वेस्ट को भी चीन कभी छेड़ेगा नहीं। अगर उनके 12 सूत्री प्रोग्राम को देखें तो 12th यही है कि रिकंस्ट्रक्शन चाइना उसमें इनिशिएटिव लेगा। लेकिन अगर क्राइमिया को टच किया गया तो मैं बताऊं ये सारा पीस इनिशिएटिव जितने भी धारा का धारा रह सारा खत्म हो जाएगा, वो ढह जाएगा। बिल्कुल। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।